साथियों, पहले की सरकारें, चाहे वो यहां रही हो या दिल्ली में, उन्होंने क्या हालत बना रखी थी उसका गवाह ये गुमला जिला है। सरकारों ने इस जिले को नक्सल प्रभावित मानकर उनको अपने नसीब पर छोड़ दिया था, ऊपर से इसको पिछड़ा जिला बताकर यहां के साथियों को, अफसरों को और हतोत्साहित किया गया था, निराश कर दिया गया था। लेकिन भाजपा की सरकार ने गुमला को देश के उन 112 जिलों में शामिल किया जो विकास की गति में थोड़े पीछे रह गए थे। हमने इन जिलों को पिछड़ा नहीं, आकांक्षी जिला कहा, ऐसा जिला कहा जहां के लोग विकास चाहते हैं। हमने इन जिलों में विकास के तमाम पहलुओं पर नजर रखी। परिणाम यह हुआ कि साल भर के भीतर ही शिक्षा, कौशल विकास ऐसे अनेक मामलों में गुमला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से टॉप 3 में आ गया। जब शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में यहां इतनी प्रगति हो सकती है तो विकास के बाकी पैमानों में भी ये संभव है। ये तभी हो सकता है जब हम सकारात्मकता के साथ काम किया जाता है, सही सोच के साथ आगे बढ़ा जाता है। वरना कांग्रेस और उसके साथियों ने तो गुमला सहित पूरे झारखंड को निराशा की गर्त में धकेल रखा था। साथियों, इनकी ये नीयत आज भी बदली नहीं है, गलती मत करना उनको पहचानने में। हाँ, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आप लोग उनको जानते हो। भाजपा की सरकार एक तरफ झारखंड की नई छवि को देश और दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम के लोग झारखंड की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। हम चाहते हैं यहां निवेश आए, यहां रोजगार के नए अवसर बने, यहां के युवाओं को अपना गांव छोड़कर के जाना ना पड़े, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर के जाना ना पड़े, अपने खेत खलिहान छोड़कर के जाना ना पड़े, अपने यार दोस्तों को छोड़कर के जाना ना पड़े। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी झारखंड को बदनाम करने में जुटे रहते हैं, किसी के साथ भी हिंसा गलत है, लेकिन इन लोगों ने झारखंड को ऐसा दिखाया जैसे यहां का आदिवासी, यहां का पिछड़ा, यहां का व्यापारी, यहां का हर वर्ग सिर्फ और सिर्फ हिंसा करता रहता है। कांग्रेस वाले और जेएमएम वाले समझ लें, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये संस्कारों से पली बड़ी धरती है, इसे बदनाम करने का पाप मत कीजिए।
वरना आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्होंने झारखंड को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नकारात्मकता इनकी विचारधारा है। झारखंड को बदनाम करने वाली इस सोच को हमें मतदान करके, पोलिंग बूथ में जाकर के, कमल पे बटन दबा करके इसको पराजित करना है।